हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ सावा चावल का हलवा। सावा चावल का हलवा हम व्रत में बनाते हैं। आप किसी भी व्रत में इसे बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ये मैं नवरात्रि स्पेशल बना रही हूँ और आप वैसे चाहें तो किसी भी व्रत में इसे बनाकर खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी यहाँ पर चावल लिया है और वजन के हिसाब से मैंने 200 ग्राम लिया है चावल। और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। दो तीन पानी में इसे धोकर हम एक किचन टावल पर इसे फैलाकर रख लेंगे, या फिर आप चाहें तो इसे थाली में ही फैलाकर थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दें, जिससे ये हल्का सा सूखा सूखा सा हो जाएगा हल्का, और आप इसे पीस लें। हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। चावल को हमने पीस लिया है और इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे। जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। आप इसे जब भी धोएं तो इसे बारीक छन्नी से ही छाने, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसका पानी बाहर निकालेंगे धोते समय तो चावल जो है वो नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है, एकदम राई से भी छोटा होता है ये, और फिर वो गिर जाएगा नीचे। इसलिए जब भी आप चावल धोएं तो अच्छी तरह हाथों से पहले उसे मसल लें, उसके बाद फिर आप एक छन्नी लगाकर उसका पानी निकाल लें, जिससे चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और अच्छी तरह से घुल जाएगा चावल, पानी उसका पूरा निकल जाएगा। चावल को हमने हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम गैस को बंद करके और इसका ये जो आटा है ये हम निकाल देंगे। इसमें आप देख रहे हैं थोड़े सी गांठ जैसी हो गई हैं, तो इसे हम एक बार मिक्सर में फिर पीस लेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो तब तक हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। पैन में हम 1 गिलास पानी डालेंगे और उसमें डालेंगे अब हम चीनी। हम इसमें चम्मच से चीनी डाल रहे हैं। आप चाहें तो नाप से, जैसे एक कटोरी चावल लिया था तो आप 1/3/4 आप चीनी लीजिए, और अगर आप और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आधी कटोरी ही लीजिए। मैंने यहाँ पर चम्मच से चीनी डाली है और ये करीबन आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी घुल जानी चाहिए, तब तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए चीनी पूरी घुल गई है पानी में, और मैंने इसे मिक्सर में एक बार और पीस लिया है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ बन रही थी, क्योंकि चावल थोड़ा गीला था। इसके लिए आप एक बार चाहे तो और पीस लें, जिससे ये बारीक भी हो जाएगा अच्छे से और गुठलियाँ भी जो बन जाती है भूनने पे वो ख़त्म हो जाएंगी और ये एकदम स्मूथ हो जाएगा चावल। अब हम इसमें अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। इसमें थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे। देखिए पूरा चावल पानी को सोख लिया है। इसमें हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, 1/2 ग्लास के लगभग। पानी बहुत ध्यान से डालें, पानी ज़्यादा ना डालें। 1 कटोरी हलवा बनाने के लिए हमें, 1 कटोरी चावल से हलवा बनाने के लिए हमें 1.5 ग्लास के लगभग पानी लगा है।
इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हम इलायची पाउडर भी डाल देंगे। इसमें हम मिल्क क्रीम डाल देंगे 2 चम्मच। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से भी आप इसे बना सकते हैं हलवे को। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी हलवा है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। इसमें काजू बादाम किशमिश ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल दीजिए। हमने थोड़े से मखाने भी डाल दिए हैं इसमें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हलवा तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। सावा चावल का हलवा तैयार है, आप इसे व्रत में बनाइए, खाइए, खिलाइए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हुए धन्यवाद।